क्या कह रहे हो भाई, आईफोन 13 कितने का? सिर्फ 25,000 का। ये खिलौने 3,000 रुपए किलो के हिसाब से यहाँ पे मिलते हैं, क्या बात है भाई। ये है दरोगा वाला मार्केट, इसमें आपको टोटल जो है इम्पोर्टेड माल ही मिलेगा। इसको लोग चोर बाजार के नाम से भी जानते हैं, लेकिन ये चोर बाजार नहीं है, ये इम्पोर्टेड माल होता है। बैरून ममालक से कंटेनर भर भर के आते हैं, उधर तो थोक के हिसाब से मिलता है, इधर फिर ये इसको पीस के हिसाब से, मतलब इसकी डिमांड के हिसाब से बेचते हैं 200 या 300 या 400 का। बाकी ये चोरी का माल नहीं होता, कुछ लोग समझते हैं कि ये चोरी का माल होता है, ऐसा कुछ नहीं है, ये इम्पोर्टेड माल होता है। अंग्रेज़ जो आपको पता है कि चीज़ थोड़े बहुत यूज़ करते हैं फिर उसको फेंक देते हैं, तो कुछ लोग होते हैं और फिर उनको उठा के जो है वो कंटेनर में पैक करके हमारे जैसे पाकिस्तान इंडिया और इन जैसे गरीब ममालिक में भेज देते हैं। आपको आईफोन 14 तक का मोबाइल जो मिल जाता है, लेकिन होता चोरी का है, तो इसलिए उसका वीडियो बनाने का भी थोड़ा इशू था, क्योंकि वो थोड़ा ब्लैक वाला काम है, तो ये जो है वाइट वाला काम था, इसलिए हर जगह वीडियो मैंने बना ली, तो वो उसकी वीडियो बनाना थोड़ा सा मुश्किल था, वीडियो मैं नहीं बना सका, लेकिन मैंने पता किया आपको आईफोन 40 जो है 25,000 तक मिल जाएगा चोर बाज़ार से, लेकिन गारंटी आपकी होगी अगर आप पकड़े जाएँ, आपके साथ कोई भी मसला पेश आ जाए, क्योंकि ज़ाहिर है भाई अगर आईफोन 14 है तो 4 लाख रुपए का मोबाइल है, तो जिसका भी होगा वो आपको छोड़ेगा तो नहीं। जैसे ही आप उसको ऑन करोगे, उसका सिम डालोगे तो वो ऑटोमेटिक हो सकता है आपकी लोकेशन ट्रेस हो जाए, क्योंकि 4 लाख का मोबाइल कोई ऐसे ही नहीं छोड़ देता, उसके पीछे वो अपनी तगड़ोग करता है, अपनी भाग दौड़ करता है कि उस मोबाइल को रिकवर कर सके। तो इसलिए इस जगह के ऐसे इस तरह के जो मोबाइल्स हैं उनको नहीं लेना चाहिए, मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा। बेसिकली जो है इम्पोर्टेड माल होता है और यहाँ पे जो है इम्पोर्ट होके आता है और यहाँ सस्ते दामों में बिकता है, तो ये सारी यहाँ पे मार्केट्स हैं, यहाँ पे टोटल आपको यही चीज़ें मिलेंगी इम्पोर्टेड, हर तरफ यही चीज़ें लगी पड़ी हैं, किलो के हिसाब से मिलती हैं। ये है जी पूरी मार्केट, ये दरोगा वाला एक पूरी यहाँ पे एक याद दे सकते हैं, ये ऑरेंज लाइन मेट्रो का पुल है, तो ये टोटल एक मार्केट ही है, इसके इस तरफ भी दोनों साइड पे, जहाँ पे आपको जो इम्पोर्टेड माल मिल जाएगा। एक ये है लाहौर के अंदर दरोगा वाला के पास जो कंटेनर मार्केट, एक ये है बाकी उधर है सारी गली में, ये इधर अकेली एक मार्केट है, यहाँ पे भी आपको टोटल जो है वो कंटेनर का इम्पोर्टेड माल मिलेगा, दुनिया की हर चीज़ आपको यहाँ पे भी जो है किलो के हिसाब से मिल जाएगी। ये दरोगा वाला मेट्रो स्टेशन ये वाला, और इसके साथ में ये इधर सामने आपको ये अटक वाला पंप है, पेट्रोल पंप है, इसके सामने बिल्कुल ये मार्केट है, कंटेनर मार्केट लिखा हुआ है ऊपर, टोटल कंटेनर का माल आता है यहाँ पे। ये मार्केट है जी, यहाँ पे भी आपको खिलौने वगैरह हर चीज़ जो है वो किलो के हिसाब से मिल जाती है, ये बहुत बड़ी कंटेनर मार्केट है, यहाँ पे हर चीज़ जो आपको किलो के हिसाब से मिल जाएगी, कॉस्मेटिक्स हो या और हो चीज़ें हो, क्रॉकरी हो, ग्रॉसरी हो, या मोबाइल्स की चीज़ें हैं, या कोई भी चीज़ हो यहाँ पर आपको ईज़िली मिल जाएगी, गेमिंग से रिलेटेड हो, खिलौने हो, हर चीज़ आपको किलो के हिसाब से मिलेगी, हत्ता कि आपको इम्पोर्टेड लाइट्स भी यहाँ पे मिल जाती हैं इस तरह की, आप देख सकते हैं ये कितनी अच्छी लाइट्स हैं, तो इनको ले जाके आप बैटरी ले आगे लगा के तो अपनी एक अच्छी लाइट बना सकते हैं, तो ये चार्जर वगैरह हैं गाड़ी वगैरह में लगाने के लिए, ये भी आपको मिल जाते हैं यहाँ पे, हर चीज़ यहाँ पे किलो के हिसाब से होती है। ये यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, बड़ा ही कमाल के इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, ये आपको मिलते हैं, सारे इम्पोर्टेड माल है यहाँ पे, 1,000 रुपये किलो के हिसाब से मिलता है ये बच्चों के चीज़ें हैं वहाँ यहाँ पे, ये सारे किचन के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ये इधर हमारी तरह एक और यूट्यूबर आया हुआ है, इसको देखें पागल हुआ पड़ा ये अभी, तो ये हर चीज़ आपको यहाँ पे नज़र आ रही है, शैम्पू वगैरह हैं, ये भी आपको 100
50 रुपये, ये तो किलो के हिसाब से नहीं है। बहरहाल अक्सर चीज़ें यहाँ पे किलो के हिसाब से मिलती हैं। ये यहाँ पे आपको इम्पोर्टेड देगचियाँ जिनको हांडी आप कहते हैं वो हैं। यहाँ पे ये सारे खिलौने हैं, ठीक है, ये खिलौने हैं। ये सारा लाट का माल होता है, ये कंटेनर में भर भर के आता है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे हर चीज़ मौजूद है, कॉस्मेटिक्स, कपड़े वगैरह हैं ये सारे। ये भी सारा सामान, ये तो पाकिस्तानी है लेकिन इन्होंने इसको भी साथ मिक्स किया हुआ, मतलब तमाम वैरायटीज़ यहाँ पे पूरी कर रखी हैं इन लोगों ने। ज़्यादातर यहाँ पे माल जो है वो लाट का ही है जो कि आपको मिलता है किलो के हिसाब से। ये कॉस्मेटिक्स का सामान है सारा, इधर शैम्पूज हैं, ये सारे शैम्पू लोशन आप दे सकते हैं 500 रुपये किलो, ये किलो के हिसाब से आपको यहाँ पे मिलेगा, साथ में बोतल का वज़न भी होगा। तो ये लोशन है पॉन्ड्स लोशन, तो ये भी आपको यहाँ पे मिलेगा 500 रुपये पर केजी। ये इधर हर चीज़ पड़ी है, परफ्यूम्स वगैरह भी पड़े हैं, किचन के सारे इंस्ट्रूमेंट्स, तरह तरह की छुरियाँ, हर चीज़ किचन के इस्तेमाल में जो लाई जा सकती है वो यहाँ पे आपको मिल जाती है ईजीली। परफ्यूम्स हैं यहाँ पे, इस तरह सारा ये कॉस्मेटिक्स है, बिजली का सामान हो या कोई भी हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो या हर चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाती है। हैमर, इंपोर्टेड हैमर, लाइट्स, हर चीज़ यहाँ पे मौजूद है। ये यहाँ पे आपको बच्चों के लिए खिलौने भी मिल जाएंगे, ये आप देख सकते हैं बड़े ही प्यारे इम्पोर्टेड खिलौने हैं और ये जो है मेटल से बने हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा भारी ये खिलौने हैं, मैंने खुद उठा के देखे हैं। और ये भी हैं जो ये भी आपको किलो के हिसाब से मिलते हैं, मतलब 3 रुपये पर ग्राम टोटल, मतलब 3000 रुपये किलो के हिसाब से ये मिलते हैं। तो ये भी बहुत ही अच्छा एक माल है, हर किस्म के खिलौने आप देख सकते हैं। ये एक ट्रक का इंजन है, ये बड़ा प्यारा ट्रक है, ठीक है। इसके अलावा ये कंस्ट्रक्शन का तमाम सामान है, इसके अलावा बसेज हैं, ये बस भी काफ़ी भारी है, ये थोड़ी सी टूटी हुई है लेकिन इस तरह की बसेज भी होती हैं यहाँ पे। तो और ये देखें, ये है एक लिफ्टर है, ठीक है, ये बिलडोज़र है यहाँ पे, ये भी मेटल का है, सारा मेटल का नहीं है, कुछ यहाँ पे पार्ट्स इसके मेटल के होते हैं, कुछ प्लास्टिक है। तो ये यहाँ पे ट्रक्स मौजूद हैं, ट्रक के पूरा इंजन है, ये देख सकते हैं ये ट्रक है, ये इसका ऊपर से पता नहीं किधर गया बोनट। बहरहाल ये इसके अलावा ये यहाँ पे कुछ पैक हैं, इन मतलब ये सारे बाहर से ही आते हैं, कुछ थोड़े बहुत यूज़ भी होते हैं। ये एक डंपर टूटा पड़ा है यहाँ पे, लोग फेंक देते हैं ना चीज़ों को। ये मिक्सचर है, ठीक है, मिक्सचर है, ये भी मेटल का है। तो इनके टायर बहुत ही अच्छे हैं, अगर आप बच्चों को लेकर देना चाहें ऐसी चीज़ें खेलने के लिए तो ये बहुत ही बेस्ट जगह है और आपको बेस्ट प्राइस में मिल जाता है ये सब कुछ। घूमते घूमते मैंने ये एक बड़ी प्यारी बाइक यहाँ पे देखी, ये आप देखें, ये बड़ा छोटा सा इसमें इंजन लगा हुआ है, बड़ा प्यारा सा, छोटे छोटे टायर हैं इसके, इसका प्रॉपर इंजन है, प्रॉपर इसकी सीट्स हैं, टैंकी बनी हुई है ऊपर, जो बड़ा ही खूबसूरत किस्म का एक मोटरसाइकिल है बच्चों के लिए। यहाँ आपको मोबाइल के चार्जर से लेकर एयरबड्स तक हर चीज़ यहाँ पे आपको ईजिली मिल जाती है, जो कि बाजार से आपको बहुत कम रेट में मिल जाती है। यहाँ पे मैंने एयरबड्स देखी हैं, मैंने यहाँ पे हर चीज़ देखी है, मतलब जो भी आप बाज़ार से चीज़ें खरीदते हैं वो आपको इस बाज़ार से मिल सकती हैं और आपको 50% कम रेट में मिल जाती हैं, क्योंकि ये जो है उधर से इनको बिल्कुल फ्री मिलती हैं। ये है जी कंटेनर मार्केट, ये वाली गली है, इसमें
टोटल आपको लाट का माल मिलेगा। और ये इसकी निशानी है साथ में ना, ये अभी मेट्रो बैंक है इसके, ठीक है, ये साथ वाली गली है। इसके अंदर टोटल आपको जितनी भी शॉप्स मिलेंगी, टोटल पे इंपोर्टेड माल है, हर किस्म का माल है, आपको किलो के हिसाब से मिलता है हर चीज़, किलो के हिसाब से। यहाँ पे खिलौने, क्या ज्वेलरी, कॉस्मेटिक्स, कपड़े और बर्तन, जो चीज़ दुनिया की आपको चाहिए, मोटरसाइकिल, हर चीज़ आपको यहाँ पर मिलेगी किलो के हिसाब से।